सो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ केस बेस्ड शीट फॉर कंट्रोलिंग टॉपिक। सो गाइस कंट्रोलिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फटाफट पहले देख लेते हैं कि यार इस चैप्टर में है क्या। चैप्टर बड़ा छोटा सा है जैसे आप जानते हो। सबसे पहले हमारे पास कंट्रोलिंग का मीनिंग हमको क्लियर होना चाहिए कि कंट्रोलिंग में होता क्या है। फिर हम लोग कवर करते हैं इसमें इम्पोर्टेंस, देन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड द कंट्रोलिंग, एंड फाइनली द प्रोसेस कि अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको क्या क्या करना है। तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो पहले एक बार यार ये टॉपिक रिवाइज जरूर कर लेना। मैं तो डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन में जो जो पॉइंट आएगा अच्छे से समझाते हुए चलूंगा, बट एक बार रिवाइज किया होता है तो इन शीट्स में और मजा आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। मनीष इज द सोल ओनर ऑफ अ मीडियम साइज क्लोथिंग स्टोर। बिजनेस इज ग्रोइंग एंड दे आर लुकिंग टू एक्सपेंड As such, there is a pressure for the shop to do well. Manish makes detailed plan for all the functions so that all performance objectives can be achieved on time with effectiveness and efficiency. But there is currently no follow-up being performed to see if the plans are implemented or not. Aara samne? Chaliye. Which function does Manish need so that his business can achieve its objective? यार कंट्रोलिंग चाहिए। वैसे तो इजी है, टॉपिक यही पढ़ रहे हैं, बट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि कंट्रोलिंग क्यों है। कंट्रोलिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्लान व्लान तो सब रेडी है, बट उनके पास वो प्रोसेस नहीं है फॉलो अप चेक करने के लिए कि जो हमने डिसाइड किया था प्लानिंग में वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्लैरिटी है उसके बाद में। व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो यार हमें किसका फंक्शन का, कौन से फंक्शन का इंपॉर्टेंस देखना है? कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग के लिए गाइस देखिए, अब इसके लिए कोड भी है हमारे पास, दिख रहा है आपको यहाँ पे कोड क्या है? AMICAD कोड बता देता हूँ मैं आपको। अब अरे लास्ट चैप्टर है ना ये फर्स्ट वाली बुक का, तो अब मेरा इनकम्प्लीट कोर्स, अब मेरा इनकम्प्लीट कोर्स अच्छे से डन, अब मेरा इनकम्प्लीट कोर्स अच्छे से डन। अब अगेन AMICAD, अब मेरा कोर्स इनकम्प्लीट कोर्स अच्छे से डन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ए का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे? चलिए सबसे पहले ए मतलब कंट्रोलिंग अगर होता है तो इट विल हेल्प यू टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशन, अकम्प्लिश योर ऑर्गेनाइजेशन गोल। सो ए मतलब अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन। हम अभी यही तो बात कर रहे हैं, उसके पास क्या प्रोसेस नहीं है चेक करने के लिए कि जो हमने प्लान किया वो अचीव भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्लैरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट एम, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सर कैसे कंट्रोलिंग से आप एफिशिएंट यूज करोगे? यार आप कंट्रोल कर रहे हो तो आपको पता पड़ रहा है कि जो हमने प्लान किया था सब काम उससे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि जो टारगेट हमने सेट किया था वो अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस सब मेजर होता है, तो ये क्या कर रहा है आपको एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करेगा कंट्रोलिंग। देन द थर्ड वन, अगर आप कंट्रोलिंग करते रहते हो आप मेजर करते हो प्लान ये है आपने अचीव ये किया, तो यार जो अच्छे से काम कर रहा है ना वो एम्प्लॉई मोटिवेट भी होता है कि नहीं यार मैं अगर काम कर रहा हूँ तो देर इज समवन हु इज चेकिंग, देर इज समवन हु इज रिकॉग्नाइजिंग कि मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, राइट? चलिए नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। यार आपके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, आप कंट्रोल ही नहीं करोगे तो उनमें आपस में क्या होगा, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन ही हैम्पर हो जाएगा। सो कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर कोऑर्डिनेशन। एंड देन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किसका? स्टैंडर्ड का। एक्यूरेसी किसका? स्टैंडर्ड। अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो आपको पता पड़ रहा है कि यार हमने जो सोचा था सब कुछ वैसा का वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है हमने प्लान बनाते वक्त स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बना लिया हो कि यार इतना तो हम बनाएंगे बनाएंगे और अचीवमेंट हो रहा है नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हम एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स भी चेक कर सकते हैं। एंड देन द डिसिप्लिन। यार ऑर्डर डिसिप्लिन सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ रहता है व्हेन यू हैव द कंट्रोलिंग फॉलो प्रोसेस। एम आई मेकिंग सेंस? तो आप मुझे बताओ क्या हम यहाँ पे ये वाला आंसर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं गाइस। सेकंड क्या कहता है हमें, सेकंड क्या कहता है देखिए। सेकंड कहता है श्रेयस इज द मैनेजर ऑफ ए होटल। ही एम्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द होटल बाय इंक्रीजिंग द प्रॉफिट अर्न्ड बाय 5% बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर। सो फॉर अ पास्ट कपल ऑफ मंथ्स ही हैज बीन ट्राइंग टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस बाय कंटीन्यूअसली कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड वन। मतलब वो जो एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है वो जो प्लान किया था उसके साथ चेक कर रहा है। एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव श्रेयस आल्सो कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन द एम्प्लॉई
एंड हैड जस्ट डिस्कवर्ड दैट अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई हैड बीन स्टीलिंग फूड सप्लाईज फ्रॉम द रेस्टोरेंट. मतलब रेस्टोरेंट का जो खाना था एम्प्लॉई चुरा चुरा के लेके जा रहे थे. ऑल्सो ही स्टार्टेड कीपिंग अ क्लोज रिकॉर्ड ऑफ द सप्लाईज ऑर्डर एंड यूज. कितना ऑर्डर किया और कितना यूज आ रहा है. इट टर्न आउट दैट दे हैव बीन ऑर्डरिंग अ बिग सरप्लस एवरी मंथ विच वॉज गोइंग टू वेस्ट. प्लस वेस्ट और हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग वेल. दे आर वेरी क्लोज टू अचीविंग देयर गोल. वट इज द फंक्शन बीन एक्सरसाइज बाई श्रेयस. ये श्रेयस कौन सा फंक्शन एक्सरसाइज कर रहा है. Obviously यार controlling exercise कर रहा है यार. क्या exercise कर रहा है. Controlling. In what ways this function helps Shreyas and in what other ways does this controlling improve an organization? अब मैं आपको बताऊं. ये जो यहाँ पे बात हो रही है ये importance की बात हो रही है actual में. जो importance हम पढ़ के आए. But ये question कितना जबरदस्त है मेरे प्यारे बच्चों. ये question important क्यों हो जाता है. क्योंकि यहाँ पे आपको part B में पूछा गया है कि controlling का Shreyas को कितना फायदा हो रहा है. और सी पार्ट में पूछा गया है कंट्रोलिंग के और कौन से फायदे हैं जो अभी श्रेयस को नहीं हो रहे हैं बट वो होते हैं नॉर्मली. ठीक है. तो अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये पांच चीजें. सबसे पहले क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा कंट्रोलिंग से. क्या श्रेयस को हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है यार. 5% का टारगेट बनाया ना उसको अचीव करने के बिल्कुल नजदीक है. तो ये उसको हेल्प कर रहा है. मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. बिल्कुल. एम्प्लॉइज का मोटिवेशन ये यहाँ पे काम नहीं आ रहा है. ये सी पार्ट में जाएगा. कोऑर्डिनेशन यार आप सरप्लस जो ऑर्डर कर रहे हो यूज जितना आ रहा है और फिर जो वेस्ट हो रहा है राइट. तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे काम आ रहा है. देन एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड भी श्रेयस क्या कर रहा है यूज कर रहा है. डिसिप्लिन भी यूज. अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा 1, 2 और 3 ये तीन चीजें श्रेयस को बहुत ज्यादा काम आ रही है. बाकी आप 1, 2 और 3 सी पार्ट में डाल सकते हो. चाहो तो डिसिप्लिन बी में डाल सकते हो आप. बट अगेन जैसा मैंने कहा कनेक्ट कर सकते हो तो जिस पार्ट में आप कनेक्ट करना चाहो कर सकते हो. बट जैसा मैंने कहा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रेयस को जो हेल्प किया वो बी में. बट बाकी जो और फायदे कंट्रोलिंग के होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे. सी में आ जाएंगे. तो हमने पहले याद कर लिया था यार. अब मेरा इनकम्प्लीट कोर्स अच्छे से डन. दिमाग में सेट हो गया. चलिए अब मैंने कहा थर्ड पे आते हैं. It is the year end and the senior management of ABC Limited is currently having a meeting in which they are making plans for the different departments and the activities of the organization for the next year. For which year? Next year. For this, they are looking at the performance of the previous year and comparing it this to what they have actually planned for the year. There are areas where performance is quite impressive as they have surpassed the set standard, but there are also areas where they are seriously lacking. बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे वो सीरियसली लैक करते हैं. चलिए हाउ इज प्लानिंग कंट्रोलिंग रिलेटेड इन द अबव एग्जांपल. एक्सप्लेन हाउ एंड प्लानिंग बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग. सो गाइज मैं आपको रिलेशनशिप बताता हूँ. आ रहा सुनने. बट इस क्वेश्चन का आंसर फिर आप उस बेसिस पे फ्रेम करोगे. सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे करंटली हैविंग अ मीटिंग दे आर मेकिंग द प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर राइट. दे आर लुकिंग एट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो आप देखो ये प्लान बना रहे हैं आज. आप समझ लो प्लानिंग क्यों फॉरवर्ड लुकिंग बैकवर्ड लुकिंग है. ये प्लान बना रहे हैं अगले साल का. बट ये भी चेक कर रहे हैं कि पिछले साल हमने क्या अचीव किया था. तो दिमाग में सेट हो रहा है प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग. दिमाग में सेट है. प्लानिंग दोनों है ना. फॉरवर्ड लुकिंग भी हो गया बैकवर्ड लुकिंग भी हो गया. फॉर दिस दे आर लुकिंग एट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड कंपेयरिंग दिस टू व्हाट दे एक्चुअली प्लान्ड फॉर द फॉर दैट ईयर. मतलब पिछले साल क्या अचीव किया और पिछले साल के लिए प्लान क्या किया था. देर आर एरियाज वेयर द परफॉर्मेंस इज क्वाइट इम्प्रेसिव. आ रहा सुनने. तो ये बेसिकली चेक करना चाह रहे हैं हमने पिछले साल जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसके सामने अचीव क्या किया. तो पता पड़ेगा हमने स्टैंडर्ड सही सेट किए थे गड़बड़ सेट किए थे हमारा एक्चुअल कैलिबर क्या है. तो प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी होगा फॉरवर्ड. कंट्रोलिंग भी सेम बैकवर्ड तो है ही क्योंकि वो प्लान को देखते हुए जज करता है. बट फॉरवर्ड लुकिंग भी है ताकि आगे के जो स्टैंडर्ड वगैरह सेट होंगे वो उसके बेसिस पे होंगे. तो आई होप आपके दिमाग में क्लियर है रिलेशनशिप प्लानिंग के बीच में रिलेशनशिप कंट्रोलिंग के बीच में. चलिए आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे. द मैनेजमेंट ऑफ एबी इज इन द मिडल ऑफ इट्स ईयर एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस. दे आर करंटली सेटिंग अ रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल डिविएशन बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड सेट. ये अभी हम प्रोसेस डिस्कस कर लेंगे पूरा कंट्रोलिंग का. देखिएगा आप एंड द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. बोले ठीक है यार. दे आर ट्राइंग टू पिक आउट एंड सेपरेट the areas which require attention of management and which of them can be ignored. Number one, which step in the controlling process
इज द मैनेजमेंट करंटली ऑन? एक्सप्लेन. मैंने कहा ठीक है यार आ जाओ. अब आप देखो, सबसे पहले आप देखो कंट्रोलिंग का ये पूरा प्रोसेस होता है. मैं आपको एक एक फटाफट समझाता हूँ. सबसे पहले आप स्टैंडर्ड सेट करते हो. क्या सेट करते हो? सबसे पहले स्टैंडर्ड कि आपको अचीव कितना करने का है, राइट? उसके बाद में मेजरमेंट करते हो कि हमने डिसाइड किया मान लो 100 यूनिट्स बनाने का है, तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपने एक्चुअली कितना प्रोड्यूस किया, 80 किया, 120 किया, एंड देन कंपेयर करो एक्चुअल परफॉर्मेंस को और स्टैंडर्ड को कि यार सोचा था 100, एक्चुअल हुआ 80, तो 20 का हमारा क्या है, मेजरमेंट हमने किया तो हमारा डिविएशन निकल के आया. डिविएशन मतलब डिफरेंस, कि हमने सोचा कितना था हुआ कितना. अब उस डिविएशन को एनालाइज करो कि यार उस डिविएशन का कारण क्या था. मान लो आपने डिसाइड किया कि यार मेरे को ना 1 लाख का माल खरीदना है, बट आपने जब एक्चुअली परचेज किया तो वो 150 का आ गया. तो एनालाइज करो क्या मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई थी, एक्स वाई जेड चीज जो भी है. यू विल एनालाइज द डिविएशन एंड देन यू विल टेक द करेक्टिव एक्शन. करेक्टिव एक्शन कैसे? मान लीजिए आपने 100 यूनिट्स का टारगेट बनाया था, बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर डे 60 यूनिट्स ही बना रही है, तो या तो होगा कि तुम्हारे एम्प्लॉय प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है इसलिए काम नहीं कर पा रहे, तो आप उनको ट्रेनिंग दो. आपको लगता है नहीं यार हमने टारगेट अग्रेसिव बना दिया था, तो आप नए एम्प्लॉय हायर करो ताकि 100 यूनिट आप पर डे बना पाओ. क्लैरिटी है? अब आप इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ. हमने एक्सेप्टेबल डिविएशन, दे आर करंटली सेटिंग अ रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल डिविएशन ऑन द स्टैंडर्ड सेट एंड मेजर कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस. दे आर ट्राइंग टू पिक आउट एंड सेपरेट एरियाज इन विच दे रिक्वायर अटेंशन और नॉट. अब ये कह रहे हैं कौन से स्टेप पे हैं, तो भैया हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं डिविएशन. कौन से स्टेप पे हम एनालाइज कर रहे हैं डिविएशन, उसको एक्सप्लेन कर देंगे. भाई डिविएशन को एनालाइज किया जाएगा, फिर देखा जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस होगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होगा. आ रहा समझ में? आई होप आपके दिमाग में चैप्टर पढ़ा हुआ याद आ रहा होगा. ठीक है, चलिए. विच मेथड ऑफ मैनेजमेंट कैन हेल्प यार, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस, ये मैनेजमेंट को हेल्प कर सकते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड? इन मेथड का एडवांटेजेस क्या है यार? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सारी चीजों पर ध्यान दो. तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस क्या कहता है? हम उस पॉइंट पे ध्यान देंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर देंगे, राइट? तब आप मैनेजमेंट बहुत बेटर तरीके से कर पाओगे. तो ये इसका क्या है एडवांटेज. चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन. अवनी इज एनालाइजिंग हर परफॉर्मेंस, सॉरी, अवनी इज एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हर एम्प्लॉइज एंड हर बिजनेस टू सी हाउ वेल दे हैव डन इन कंपेरिजन टू द प्लान. भाई एनालाइज कर रही है कि हमने हमारे प्लान्स के कंपेरिजन में कैसा किया, एंड वेदर द गोल्स शी हैड सेट आउट द एंड ऑफ द ईयर हैव बीन अचीव्ड और नॉट. सबसे पहले आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप दैट अवनी नीड्स टू टेक. वट आर सम थिंग्स दैट अवनी शुड बेयर इन माइंड वाइल कैरिंग आउट दी स्टेप. अब सबसे पहले क्या करना चाह रही है, कंट्रोलिंग करना चाह रही है, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू कंपेयर टू द प्लान. अब आप मुझे बताओ कंपेयर प्लान के स्टेप्स क्या क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप बताओ. आ रहा समझे? व्हाट आर सम थिंग्स दैट अवनी शुड बेयर इन माइंड, और उनको बेयर करते वक्त कैसे क्या करना चाहिए. अब आप देखो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, सेटिंग द स्टैंडर्ड. सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, तब जाके ही तो आप कर पाओगे. और ये जब रख रहे हो तो आपको प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड यूज करने पड़ेंगे. क्वालिटी में आपको सब्जेक्टिव एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चाहिए. तो डेफिनेटली ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखनी है. मेन सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग द स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टेप है, और उसके अलावा जो बाकी के 4 स्टेप हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, मेजरमेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस का, कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग द डिविएशन एंड देन टेकिंग द करेक्टिव एक्शन. सो गाइस, कंट्रोलिंग अपने आप में बहुत छोटा चैप्टर है, बट अगर छोटा हो या बड़ा हो, अगर हमारे पास उसको बड़ा क्वेश्चन आ गया तो हमारे पास आंसर देने के लिए होना चाहिए. इन शॉर्ट आप देखो मैं करा केस बेस शीट रहा हूँ, बट आपको पूरा का पूरा चैप्टर सामने दिखा रहा हूँ कि इस चैप्टर में है क्या, कोड क्या था इस चैप्टर का. अब मेरा इनकम्प्लीट कोर्स अच्छे से डन, प्रोसेस अपने आप याद रह जाता है, उसके लिए कोड की जरूरत नहीं है. ओके गाइज, तो आई होप पूरा का पूरा कंट्रोलिंग आपके दिमाग में सेट हो गया होगा. अगले सेशन में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय.